अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चीज़ी पास्ता पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है चिकन, ये आलमोस्ट 2 पाउंड चिकन है। इसको मैंने जुलियन कट में ऐसे काट लिया है, जुलियन कट में रफली सा इसको मैंने काट लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए पास्ता, आप कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला पास्ता यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए सॉस, मैं 4 चीज़ सॉस यूज़ कर रही हूँ 1 कैन। अगर आपके पास 4 चीज़ सॉस नहीं है तो आप कोई और सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं रेगुलर टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप। कुकिंग स्प्रे चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट, मुझे 1/2 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स यानी कि पिज़्ज़ा पेपर क्रश पेपर, मुझे 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। उसके बाद मुझे चाहिए ऑनियन पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून ऑफ ऑनियन पाउडर है। उसके बाद मुझे चाहिए इटालियन सीजनिंग, ये 1 टीस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए बटर ऑयल कुकिंग ऑयल, गार्लिक, ये मैंने गार्लिक को फाइन चॉप कर लिया है, ये 2 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक थे। उसके बाद मुझे चाहिए ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये अबाउट 1/2 कप ऑफ ऑलिव्स हैं, और रेड ओनियन है, ये रिंग शक्ल में मैंने काट लिया है, ये मुझे चाहिए अबाउट 1/2। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, पहले मैंने वाटर बॉयल करने के लिए रखा है, अब मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। जी तो वाटर में मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी, 2 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी पास्ता। इसको बॉईल होने देते हैं और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 अबाउट 2 टेस्ट सॉल्ट। तो व्यूअर, मैं एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ अबाउट 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून ऑफ बटर। हम इनको मेल्ट कर लेते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं गार्लिक अबाउट 2। अब इसको सोते कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, अबाउट 2 मिनट्स तक गार्लिक को सोते करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। अब हम इसको पका लेंगे 5 से 10 मिनट। जी तो भैया, जैसे ही चिकन ने कलर चेंज किया हम इसमें ऑनियन पाउडर डाल देंगे और इसको फिर से पकाएंगे। जी तो भैया, 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम इसमें स्पाइस ऐड कर रही हूँ, इसमें है सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर। हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, स्पाइस ऐड करने के बाद ये मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ऑरिगैनो, 1/2 डालेंगे हम और थोड़ा बचा लेंगे, और साथ ही साथ अब इसमें हम शामिल करने जाते हैं सॉस। जी तो मैं इसमें सॉस ऐड कर रही हूँ, अबाउट 1 कैन है ये मेरे पास, और साथ ही साथ मैं टमाटर सॉस, जो प्लेन टमाटर सॉस है वो 4 चीज़ सॉस था, अबाउट 1/2 कैन। पास्ता मिक्स करने के बाद अगर हमें लगा कि हमें मोर जूसी चाहिए तो हम इसमें सॉस बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इतनी ही चाहिए। अब इसको मज़ीद पकने देते हैं 5 से 10 मिनट। जी तो व्यूअर, पास्ता बॉयल हो गया, मैंने इसका वाटर ड्रेन कर लिया, मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा फुली कुक नहीं किया क्योंकि अब मैंने इसको बेक करना है। तो बिल्कुल ये देखिए, इस स्टेज पर मैंने इसको जैसे 1/2 डन करके उतार लिया। जी तो व्यूअर, यहाँ पे पास्ता सॉस और चिकन रेडी है। अब जो पास्ता हमने बॉयल किया है हम उसको इसमें शामिल कर लेते हैं। पास्ता शामिल करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छा खासा जूसी होना चाहिए,
देखिए बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसको लेयर बाय लेयर पैन एक बेकिंग पैन में डाल के इसके लेयर बना लेंगे जी। तो व्यूअर डिश आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको मेन एक इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई थी। ये है मेरे पास मसरोला चीज़ अबाउट 2.5 कप है। ये हम बिटवीन द लेयर्स ऑन द टॉप लेयर्स पे भी लगाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप अपने ओवन को प्री हीट कर लीजिए लाइक 300 पे, फिर उसके बाद 325 आपको अपने ओवन के हिसाब से इसको 20 मिनट्स हमने बेक करना है। सबसे पहले मैं इसमें डिश मैंने ले ली है बेकिंग के लिए, मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रे कर लूँगी कुकिंग। उसके बाद मैं पास्ते को ऐसे पास्ते को पिकअप करूँगी और उसके लेयर्स ऐसे पैन में बचा दूँगी। मैं अबाउट 4 लेयर बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास ये डीप पैन है। फर्स्ट लेयर के बाद मैं इस पर थोड़ी सी चीज़ डालूँगी, वो ज़्यादा नहीं। इसी तरह मैं इसके 3 मोर लेयर्स कर लूँ। तो ये सेकंड लेयर पे मैंने डाला है, इसके ऊपर भी चीज़ डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ी थोड़ी सी। अगर आप इसमें वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जी। तो ये मेरा 3rd लेयर है, इसके बाद मैं टॉप लेयर और फिर उसके बाद मैं ऊपर गार्निश करूँगी जी। तो व्यूअर ये मेरा टॉप लेयर है, इस पर मैं काफ़ी अच्छे से मसाला चीज़ जैसे पिज़्ज़े पे हम करते हैं उसी तरह सारी इस पर डालूँगी और साथ ही साथ मैं इस पर जो ऑलिव्स हैं वो स्प्रिंकल कर लूँगी। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, लेकिन ऑलिव के साथ इसका बहुत प्यारा एक अच्छी लुक आएगी। बेक होने के बाद बिल्कुल पिज़्ज़े के जैसा लुक फील होगा। उसके बाद आप इसके ऊपर ओनियन रिंग थोड़े से डाल दीजिए जितने आपको चाहिए और फिर दोबारा से थोड़ा सा चीज़ ऊपर और ये रेडी है बेक होने के लिए। अगर आप इसको बना के रखना भी चाहते हैं रख लें, और जब आपको इसको खाना है उस टाइम आप बेक कर लीजिएगा। तो अब हम इसको बेक करते हैं, इसको कवर के बग़ैर बेक कीजिएगा, कवर नहीं देना ऊपर। 325 पे मैं बेक कर रही हूँ 25 मिनट्स के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका ओवन अगर ऊपर से ये पिंक कलर आ जाएगा तो आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा और टॉप पर हल्का सा और ये इटालियन सीजनिंग को स्प्रिंकल कर लीजिए लाइट सा। जी तो व्यूअर चीज़ी पास्ता पिज़्ज़ा इज़ रेडी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये मैंने 350 डिग्री पे बेक किया है फॉर 25 to 30 मिनट के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।